नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीटी को लेकर काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था और फ़ोन भी आया था दो चार लोगों का कि इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस तो सबको लगभग पता ही है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे तैयारी की जाए। तो कैसे तैयारी की जाए ये मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज कोई दूसरा आदमी बताएगा। वो कौन है इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। ये टीचर हैं, इनका नाम है सतीश कुमार मिश्रा। अभी सर आएंगे, बताएंगे वो क्या है सिलेबस, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, किधर ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब सर ये वीडियो क्यों बनाएंगे, सर को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि सर लगभग 15 सालों से कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं और हज़ारों लोगों को पढ़ाया होगा, कई बैचेस पढ़ाए हैं। 15 साल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितने लोगों को पढ़ाया गया होगा। और इनके सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं, चाहे वो ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट हो या फिर एसएससी में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह का पोस्ट होता है सीजीएल के थ्रू, कई मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे भी इनके जो पढ़ाए हुए लोग हैं वो हैं। तो सर से ही रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस आपके सामने है, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ये सर बताएंगे आप लोगों के सामने। सर आइए बताइए। सर का नाम सतीश कुमार मिश्रा है, अब सर आपको बताएंगे। लिए सर लगा लीजिए। ठीक है, तो फिर सर बताएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो तो, या यूँ कह सकते हो, कोई भी लड़ाई अगर जीतनी है तो अगर रणनीति बेहतर नहीं है तो जीतना संभव नहीं है। कोई भी लड़ाई बिना स्ट्रेटजी की जीती नहीं जा सकती है। कंपटीशन एग्ज़ाम हजारों लाखों लड़के रोज नए रूप में आ रहे हैं सामने कंपटीशन के लिए, इस फील्ड में फाइट बढ़ती जा रही है। तो जब तक हमारी स्ट्रेटजी मजबूत नहीं होगी तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। लोकेंद्र सर ने आज हमें बुलाया है, भाई जो बातें इन्होंने कही हैं इनको भाई ऐसा महसूस हो रहा होगा, बस मैंने अपना काम किया है, लड़कों ने मेहनत किया है, रिजल्ट उनके सामने रहा। उम्मीद करेंगे कि आप भी इस वीडियो के थ्रू अपने मेंटेलिटी को चेंज करते हुए अच्छी रणनीति बना करके पढ़ाई करेंगे। प्रतिदिन 6 घंटे के रेगुलर पढ़ाई से आप अपनी स्ट्रेटजी मजबूत बनाते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के सिलेबस के बारे में। काफ़ी कंफ्यूजन रहा शुरू में ही कि कैसे आखिर इस चीज़ को क्रैक किया जाए, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पढ़ा जाए। हालांकि अभी इसका सिलेबस आ गया है, सामने देखिए सारे क्वेश्चंस के जो सिलेबस हैं वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, साथ साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और प्रत्येक टॉपिक कुल कितने नंबर का होगा एग्ज़ाम में, ये सामने डिनोट किया गया है। प्रारंभ करते हैं हम लोग सिलेबस में भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में 5 क्वेश्चन रहेंगे भारतीय इतिहास से। ये इस भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक के इतिहास को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो संबंधित रहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के वैदिक काल तक, धार्मिक आंदोलन से लेकर के सल्तनत काल तक, मुगल काल तक और भारत में अंग्रेजों का उदय तक। इसके बाद इन चीज़ों से देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो दूसरा यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है वह है इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
जिसमें खास करके जो क्वेश्चंस आएंगे वो गांधी युग से रहेंगे। गांधी जी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन रहेंगे। फिर आता है हमारा भूगोल, 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसमें विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में, नदियों पर्वतों के स्थलों के बारे में, राजधानियों के बारे में, झील समुद्र इत्यादि के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके स्थानों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, 5 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। फिर डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के संविधान संशोधन तक के क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिला स्तर के प्रशासन से संबंधित प्रश्न जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत उठा सकता है। इनकी संख्या हमारी 5 रहेगी, सॉरी 5 क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन रहेंगे इसमें। सामान्य हिंदी से क्वेश्चन मूलतः हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेंगे, संधि समास पर्यायवाची विलोम इत्यादि जो भी रनिंग चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें आएंगी। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन रह सकता है, रसायन विज्ञान और इसके साथ ही बायोलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चन रह सकते हैं। जो भी रनिंग चीज़ें प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं वही सारी चीज़ें रहेंगी, जो आप पढ़ रहे हैं शुरू से वही सारी चीज़ें रहेंगी। बस हमको उसको कैसे मैनेज करना है, कम समय में अधिक से अधिक कैसे गेन करना है, इसकी रणनीति बनानी है। इसके बाद आता है हमारा सामान्य अंकगणित। अंकगणित में जो भी सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, एक एक नियम से लेकर के काम समय चाल समय तक, प्रतिशतता से लेकर के जो है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट इत्यादि, ये सभी जो भी अंकगणित में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये इन सारी चीज़ों से रहेंगी, सामान्य चीज़ें रहेंगी, कक्षा 8-10 तक के लेवल क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा सामान्य अंग्रेजी, जो भी आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक जो भी आप पढ़े हो अंग्रेजी व्याकरण वही सारी चीज़ें रहेंगी। डरने वाली चीज़ नहीं है, पढ़ने वाली चीज़ है, आप लोग पढ़े हो ये विश्वास करो, बस उसको कलेक्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, दोबारा रिवाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें करनी है आपको। इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति के से 5 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है मित्रों, वो होता है समसामयिकी, जो 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका सिलेबस निर्धारित नहीं होता है, इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। हर एक कंप्यूटर के लिए जरूरी है कि वो मंथली कोई एक समसामयिकी की बुक कोई ना कोई एक लेकर के पढ़े, और साथ ही साथ सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो उस सोशल मीडिया से कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को लें जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा लोकेंद्र सर की जो करंट अफेयर से संबंधी क्लासेज जो आती हैं, जो भी वीडियो जाता है उसको जरूर आप लोग व्यू करें, देखें जरूर, जिससे आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिल सकते हैं, काफ़ी सहायता मिल सकता है। इसके बाद आता है मित्रों सामान्य जागरूकता, ये तो इससे संबंधित जो है कि 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा अपठित गद्यांश आपको दे दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना होगा, कम समय में पढ़ना है, कम समय में समझना है और कम समय में ही उसको आंसर भी देना है। 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो नहीं होता लेकिन समय कम होने के कारण दिमाग पर काफ़ी प्रेशर होता है, गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इस चीज़ को पढ़ने के लिए बार बार आगे डालना पड़ेगा। कोई भी एक टॉपिक आप एक मिनट में अगर 3 बार पढ़ने की क्षमता रखते हो तो इस समस्या का समाधान आप कर सकते हो अपने लिए। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या जिसमें पाई चार्ट के थ्रू, बार डायग्राम
उसके बाद लाइन डायग्राम से क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इसके साथ साथ तालिका से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 10 नंबर के। ये तो सिलेबस हो गया हमारा पेट का। बात होती है कि आखिर हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि समस्याएं काफ़ी होती हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कभी कभी हाई हो जाता है। तो मित्रों, पहले तो पीछे मुड़ करके देखना छोड़ दो आप, आपके लाइफ में पीछे क्या हुआ, ठीक है, उसे आप अनुभव लो, लेकिन उस लेकिन आगे के बारे में सोचो, उसके लिए रास्ता बनाओ। रास्ता बनाने का ये नियम है कि आप एक टाइम फिक्स कर लो अपना स्टडीज का, आपको स्टडी करना है, अगर प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे आपको पढ़ना है, बाकी आप अपना समय कहीं गुजारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका 6 घंटा आपके कैरियर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका भविष्य आपके 6 घंटे पर निर्भर करता है। अगर कोई छात्र जो है पार्ट टाइम जॉब भी करता है, जॉब पर ही जाता है, तो भी 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को अगर दे दे तो 6 घंटे उसके पास आ जाते हैं। सिलेबस इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि पेट को क्रैक ना किया जा सके। जो भी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी किताबें उपलब्ध हैं, पेट का सिलेबस आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे से उसको पढ़ना शुरू करो। और ध्यान रखना कि जो पेट में पेट के सिलेबस में जो दिया गया है उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, उससे इतर नहीं जाना है। अब रहता है कि पढ़ाई कैसे करें, तो बताया है 6 घंटे आपको निकालना है, सुबह 3 घंटे निकाल लो, शाम को 3 घंटे निकाल लो, या जो भी आपको उचित लगे समय आप बैठ कर पढ़ो, लेकिन 6 घंटे से कम ना जाओ, क्योंकि 6 घंटे आप नहीं पढ़ते हो तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो 12 घंटे पढ़कर पढ़ने की क्षमता रखते हैं, ठीक। इसके पश्चात हम ये देखते हैं, एक जो ध्यान देना है मित्रों कि टाइम का आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। आप सब चीज़ जानते हो, सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते हो तो एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आते हुए क्वेश्चन अगर छूट जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पहला। दूसरा मित्रों, ये प्रयास करना है कि अक्सर ये होता है, ह्यूमन मिस्टेक तो हो ही जाता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए, लेकिन प्रयास ये करना है कि आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत ना होने पाए। 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो ठीक है, लेकिन 2 से ऊपर जाता है तो आपके लिए ये फिर हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आपका प्रतिद्वंदी उस क्वेश्चन को सही कर रहा है। अब तो माइनस मार्किंग भी है, क्वेश्चन गलत करोगे तो गलत हुआ ही हुआ, साथ में आपके सही क्वेश्चंस का जो नंबर मिला उसमें से भी ले गया, जबकि आपके प्रतिद्वंदी ने उसको सही करके आगे बढ़ गया। तो कम टाइम में क्वेश्चन को अधिक से अधिक करना है और सही ढंग से करना है, तो इसके लिए आपका पास एक ही आशय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन सेट उठाओ सॉल्व करो, क्वेश्चन सेट उठाओ सॉल्व करो, प्रतिदिन आपको एक पेपर सेट सॉल्व करना है। आप टाइमर सेट कर लो, 2 घंटे का टाइमर सेट कर लो, 1 घंटे का टाइमर सेट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो OMR सीट लेकर के। मार्केट में OMR सीट मिल रहा है, आप ले लो और सॉल्व करो। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी देना है क्या, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है साथ में। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी, और जितने दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे पढ़ाई आपकी उतनी नुकसान होगी और आपका प्रतिद्वंदी उतना ही आगे चला जाएगा। तो खान पान पर विशेष ध्यान देते हुए प्रयास करना है, अधिक से अधिक प्रयास प्रैक्टिस करके कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। और एक चीज़ जरूर ध्यान देना है, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ को सॉल्व करोगे। धन्यवाद।